तीन जिलों के बदमाशों को सीतापुर में पुलिस ने पकड़ा। अंतर जनपदीय गिरोह को घेराबंदी कर कोटरा पुल के पास पुलिस ने दबोचा। बाराबंकी गोंडा के अभियुक्तों को बिस्वा पुलिस ने धर दबोचा। बदमाशों के पास से मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन, तमंचा समेत अन्य सामान हुआ बरामद। सीतापुर की पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बिस्वा कोतवाली पुलिस ने तीन अंतर जनपदीय अभियुक्तों को धर दबोचा है। अभियुक्तों के पास से मोबाइल फोन, अवैध असलहा, कारतूस समेत अन्य सामान भी बरामद हुआ है। ये अंतर जनपदीय गिरोह के अभियुक्त बाराबंकी गोंडा लखनऊ के रहने वाले हैं। इनके कब्जे से दो मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल के तोड़े गए नंबर प्लेट, वरिंच सादी नंबर प्लेट, एक तमंचा, 12 बोर व कारतूस, एक चाकू बरामद किया गया है। अभियुक्तों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की गई। प्रभारी निरीक्षक मनीष कुमार ने बताया, मोटरसाइकिल की लूट के संबंध में बिस्वा थाना पर मुकदमा पंजीकृत था। मुखबिर ने सूचना दी कि मोटरसाइकिल लूटने वाले लुटेरे मोटरसाइकिल के साथ कोटरा पुल मार्ग से आ रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने कोटरा पुल के पास घेराबंदी कर अभियुक्तों को धर दबोचा, जिसमें कौशल कुमार पुत्र राजपाल सिंह निवासी हाजीपुर थाना घुंगटेर जिला बाराबंकी व विष्णु प्रताप सिंह पुत्र उदय प्रताप सिंह निवासी बाबागंज थाना इटिया थोक गोंडा व जितेंद्र उर्फ अनूप पुत्र राजेश कुमार निवासी सूर्य विहार फेज 2 चिन्हट लखनऊ के रहने वाले हैं। अभियुक्तों को गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक हरिप्रकाश यादव, हेड कांस्टेबल दीपक वर्मा व विजेंद्र बहादुर सिंह व राम प्रताप यादव व कांस्टेबल अमित मिश्रा मुख्य रूप से शामिल रहे। पुलिस की इस सफलता के बाद मीडिया से सीओ विश्वा अभिषेक प्रताप अजय ने क्या कहा, आप भी सुनिए। 9/2022 को थाना बिस्वा में एक घटना घटित हुई, जिसमें एक व्यक्ति के साथ एक मोटरसाइकिल, एक मोबाइल व 600 रुपये लूट की घटना हुई थी। इस संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 484/22 सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद सीतापुर के निर्देशन में स्वाट व थाने की गठित टीमों द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना में संलिप्त तीन अभियुक्तगण कौशल कुमार सिंह निवासी जनपद बाराबंकी, विष्णु प्रताप सिंह जनपद गोंडा व जितेंद्र उर्फ अनूप जनपद लखनऊ को गिरफ्तार किया गया है, तथा उनके पास से घटना से संबंधित दो मोटरसाइकिलें, चार मोबाइल, दो तमंचे व कारतूस तथा कुछ नंबर प्लेट व रिंच आदि भी बरामद हुए हैं। अपराधियों द्वारा थाना महमूदाबाद जनपद सीतापुर में चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसे उनके द्वारा स्वीकार भी किया गया है। समस्त अभियुक्तगण अंतर जनपदीय अपराधी हैं तथा अन्य जनपदों जैसे गोंडा व लखनऊ में भी इन पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। अन्य की संलिप्तता के संबंध में अभी गहराई से छानबीन की जा रही है। अभियुक्तों पर भविष्य में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कठोर कार्रवाई की जाएगी। जनपद में अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु इसी प्रकार कठोरतम कार्रवाई जारी रहेगी। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।